आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके आगे के वीडियो में हमने देखा था 34 चेस्ट साइज के हिसाब से ब्लाउज शोल्डर कटिंग, ये तो, और ये वीडियो में हम देखने वाले 36 चेस्ट साइज ब्लाउज की कटिंग। तो आज हम देखने वाले हैं 4 से लेकर 12 इंच तक गले तक की शोल्डर कटिंग, जिसमें हमारी चेस्ट साइज रहेगी वो रहेगी करीबन 36 इंच, और आगे हम देखने वाले हैं 44 चेस्ट साइज तक के शोल्डर की कटिंग। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसकी हमारी जो चेस्ट रहेगी वो 36 साइज़ रहेगी, और इसमें जो हमारा शोल्डर आएगा वो करीबन आएगा 15 इंच का शोल्डर आएगा। और यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच और 12 इंच का गला रहेगा। तो हम शोल्डर किस तरीके से कटिंग करेंगे, ज़्यादातर लोगों को इसी में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर मैं आपको आज वो क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, और सभी में हमारा शोल्डर अलग अलग रहेगा सभी गले में। और यहाँ पर सबसे पहले 4 इंच का गला हम देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पीछे का गला 4 इंच रहता है तो इसमें जो हमारा शोल्डर करीबन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंद गला हो जाता है, तो इसमें जो हमारा शोल्डर है वो पूरा रख देना है। आपका कोई भी शोल्डर हो आपको पूरा ही रख देना है। तो यहाँ पर हमारा 15 इंच है तो हम 15 इंच पूरा रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो कपड़ा है, दो लेयर है, तो यहाँ पर हमारा 7.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और दूसरा हमें सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ देना। फिर यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस आप अपने कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर 0.5 इंच का एक क्रॉस मार्किंग कर देंगे आर्म होल की तरफ, ताकि ये हमारा कंधे गिरे नहीं, इसके लिए बंद गला है ना इसके लिए। और फिर ये हमारा ये चेंजेस हमें करना ही पड़ेगा, और उसके बाद हम गले का और आर्म होल का कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पीछे का पार्ट कटकर तैयार हो चुका है, अभी हम इसे काट सकते हैं। और इसके बाद जब भी हमारा पीछे का गला 6 इंच रहेगा तो हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा पीछे का गला 6 इंच रहेगा तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर आएगा वो करीबन 2 इंच माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गला खुल रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर 13 इंच आएगा, तो हम 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डबल लेयर है। तो यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जितने आप सिलाई लोगे उतना आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। फिर हम गले की ब्रॉडनेस दे देंगे, और फिर यहाँ पर भी हम 0.5 इंच का क्रॉस आर्म होल की तरफ देंगे, जिसको हम मुंडा भी कहते हैं। तो वहाँ पर आर्म होल की तरफ देंगे, और फिर हम गला और आर्म होल कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पीछे का गला और सब कट के तैयार हो चुका है, अभी हम इसे काट सकते हैं। तो ये हमारा हो जाने के बाद अभी हमारा 8 इंच गला रहेगा, तो हम क्या चेंजेस करेंगे। तो जब भी हमारे पीछे 8 इंच गला रहता है तो यहाँ पर गला भी खुला है, और फिर हम यहाँ पर जब भी टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर गला और भी थोड़ा खुल जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा शोल्डर रहेगा वो 3 इंच माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा गला रहेगा वो 12 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, और सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और फिर गले की ब्रॉडनेस हम अपने कस्टमर के हिसाब से दे देंगे। और यहाँ पे हमें गले की तरफ उल्टा क्रॉस देना है, कितना, गले की तरफ। यहाँ पर आप 0.25 इंच यानी 5 इंच का क्रॉस दे सकते हैं, और उसके बाद हम गले का और आर्म होल का मार्किंग कर देना है, और पीछे का पार्ट काट देना है। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हमारा पीछे 10 इंच गला रहेगा, तो हम क्या चेंजेस करेंगे। तो जब भी हमारा पीछे 10 इंच गला रहता है और टक्स लग जाने के बाद गला यहाँ पर और भी खुलेगा, इसके लिए जो हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन रहेगा 10 इंच जी हाँ, इसमें भी हमारा शोल्डर 10 इंच या 10.5 इंच भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, 0.5 इंच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और दूसरा मार्क जो और जो दूसरा हम गले की ब्रॉडनेस देंगे वो हम अपने कस्टमर के हिसाब से दे देंगे। और ये हमारा हो जाने के बाद गले की तरफ हम उल्टा क्रॉस दे देंगे 0.5 इंच का, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर हम गला और आर्म होल कटिंग कर देंगे, इतना चेंजेस हमें करना है। और जब भी हमारा 12 इंच गला रहेगा तो अभी हम 12 इंच देख लेते हैं। तो जब भी हमारा 12 इंच गला रहेगा तो ये बहुत खुला हो जाएगा, डीप हो जाएगा, इसमें हमें चेस्ट में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट में थोड़ा लूजिंग कम करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपके आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसमें जो हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन रहेगा 9 इंच, यहाँ पर 9.5 भी रख सकते हैं लेकिन 9 इंच ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 9 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, और जो दूसरा मार्किंग है वो हम गले के ब्रॉडनेस का भी कर देंगे। यहाँ पर सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ देना है आपको, और फिर हम गले की तरफ 0.5 इंच इस तरीके से गले की तरफ हम क्रॉस करेंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी टक्स लगकर खुलेगा तो यहाँ पर हमारा जब भी टक्स लगकर खुलेगा तो ये अपने आप कंधा नहीं गिरेगा, इसके लिए हमें 0.5 इंच का क्रॉस गले की तरफ देना ही देना है। और इतना हो जाने के बाद अब हम कटिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने बात बताई आप एक नोट पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। इसके आगे के वीडियो में हम देखने वाले 38 चेस्ट साइज़ के हिसाब से शोल्डर की कटिंग।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।